दोस्तों आज के वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले। आखिर जो दहेज का केस होता है, डीवी का केस होता है, मेंटेनेंस का केस होता है और साथ में उसमें जो रेप के केस लगाए जाते हैं चार्ज, ठीक है, छेड़ाछाड़ी के केस 377 का, आखिर इनका परिणाम क्या होता है आखिर में जाके। जी हाँ, आज एक प्रैक्टिकल वीडियो बनाने वाला हूँ। आखिर ये पति लोग डरते क्यों इस चीज़ों से लेके? कहीं पर क्या करते हैं कि साहब उनको कोई भी पत्नी धमकी देती रहती है, उसके परिवार के नाम ऐड करा देती है, ठीक है, उनके भाई के साथ कोई 300 छेड़ाछाड़ी का केस, 376 का केस लगा देती है। तो आखिर इन केसों का परिणाम क्या होता है और आखिर पति लोग क्यों डर रहे हैं? आज के बाद इस वीडियो देखने के बाद किसी भी पति के माइंड में ऐसी कोई डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास, नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूं हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़े अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो, डिस्कशन पूरी डिटेल होती है, अपॉइंटमेंट बुक करके आप बात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि भाई आपको आपकी पत्नी की तरफ से थ्रेट मिल रही है, कहीं पर कहते हैं कि साहब मैं आपके परिवार को, ठीक है, जेल करा दूंगी, ये करा दूंगी, वो करा दूंगी। देखिए इससे कुछ नहीं होने वाला दोस्तों। कोर्ट में हमेशा आप एक चीज़ समझ लीजिए कि आपकी उनकी पुलिस एफआईआर दर्ज हो सकती है आपके खिलाफ, ठीक है, आरोपों के बेस पे महिला की ओनली एफआईआर पुलिस एफआईआर दर्ज करा सकती है। जो भी होनेबल सुप्रीम कोर्ट का एक रूलिंग है उसके अनुसार कि भाई कोई महिला आती है तो उसकी कंप्लेंट शिकायत को पहले दर्ज कर लीजिए। लेकिन ये भी कहीं ना कहीं से ना 50% तो इन्वेस्टिगेशन में क्लोज रिपोर्ट लग जाती है इन पर। जी हाँ, आपने देखा होगा जब भी आप पे कोई भी केस होता है, चाहे वो दहेज का केस, सबसे पहले मैं दहेज का केस ले लेता हूँ जिससे लोग सबसे ज़्यादा डरते हैं। देखिए दहेज केस में पहले क्या होता था कि डायरेक्टली अरेस्टिंग होती थी, ठीक है, अब आज की डेट पे आपकी अरेस्टिंग तो है नहीं, ठीक है, तो आपको इस चीज़ से डरना ही नहीं चाहिए कि साहब आपके खिलाफ दहेज का केस हो गया तो आपको गिरफ्तार कर लेगी पुलिस, बिल्कुल नहीं करेगी। 99% आपको सबसे पहले आपकी शिकायत दर्ज होगी, उसके बाद में फिर आपकी काउंसलिंग कराई जाएगी और काउंसलिंग कराने के बाद फिर आपकी बात बनती है तो अच्छी बात है, नहीं बन रही है तो फिर आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है। और कई बार आपके जो सेक्शन लगाए जाते हैं 354 छेड़ाछाड़ी का, साहब आपका भाई रहता नहीं, आपके पिताजी रहते नहीं थे या दूर थे, जहाँ पे उसका कोई सबूत है ही नहीं, तो आरोप ही तो लगे ना आप पे। देखो आरोप लगा के अगर पत्नी कुछ समय के लिए खुश हो सकती है, लेकिन आगे के लिए हमेशा अपनी ज़िंदगी खराब खुद कर लेती है, ये बात आप अच्छे से समझ लेना। जी हाँ, तो इसके आधार पर आपको डर क्यों रहा है? आप पे 377 का केस लगा रहा है अननेचुरल फिजिकल का, तो जब आपके मेडिकल है ही नहीं पत्नी के पास तो आपके केस कैसे चल जाएगा, ठीक है। आगे चलकर दोस्तों, आपको जब 376 का किसी भी आपके परिवार के कोई भी रिलेटिव पे लगा रही है, जब आप थे नहीं, आपके डोमेस्टिक वायलेंस की जो डोमेस्टिक रिलेशनशिप रहते हैं, घरेलू जो संबंध है आपके, वो रहे नहीं, पति पत्नी बिल्कुल ही अलग रहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको 376 केस कहाँ लग जाएगा? 164 के बयान भी दर्ज होंगे, मेडिकल भी होगा, सब कुछ होगा, प्रूफ होना चाहिए, ये सब उच्च विचार दिन सेक्शन लगे जाते हैं। जी हाँ, जितने भी सेक्शन लगाए जाते हैं 498 के साथ में 354, 377, 376, ये सब एक विचार दिन होते हैं। जी हाँ, डायरेक्टली इनमें अरेस्टिंग नहीं होती है, ये बात आप अच्छे से समझ लेना। जी हाँ, तो कहीं पर क्या होता है दोस्तों कि कहीं लोग इन चीज़ों से डर जाते हैं कि भाई हम पे तो 376 मेरे भाई पे लगा दी, पिता पे लगा दी, ये सब रिलेटिव पे लगा दी, आपके कोई भी सिस्टर के हस्बैंड पे लगा दी, तो इन चीज़ों से कुछ नहीं होगा, ये सब विचार दिन होगी। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से आप मिलिए, 41A का नोटिस आपको मिलेगा, उसके बाद आप उनसे मिलिए, ये सब सेक्शन इन्वेस्टिगेशन में निकल जाते हैं। तो फिर आप डरते क्यों, किस चीज़ से ले? देखिए शादी की हो, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपने कोई बड़ा क्राइम कर दिया, और पत्नी अपनी तरफ से थ्रेट दे रही है तो उससे कोई लेना देना नहीं है। देखिए सबसे ज़्यादा 498 का केस आप देखोगे ना, तो आखिरी रिजल्ट में जाके है ना के बराबर से 95% तो इन केसों में समझौता होता है, 5% में से मिनिमम से ले आप 1 या 2% हस्बैंड केस हारते हैं, नहीं तो पत्नियां प्रूफ ही नहीं कर पाती। जी हाँ, और 498 केस करने के बाद, क्योंकि एलिगेशन आरोप इतने गंदे गंदे लगाए जाते हैं कि रिश्ता भी 95% डाइवोर्स की तरफ चला जाता है। जी हाँ, तो इस वजह से आपको डरना चाहिए नहीं। अब बात कर लेते हैं डीवी केस की कि डीवी केस में आखिर परिणाम होता क्या है। देखिए डीवी केस में आपको डरना चाहिए नहीं किसी भी प्रकार से। जी हाँ, पहले क्या होता है कि डीवी केस में आपको कभी भी सज़ा नहीं मिलती है। डोमेस्टिक वायलेंस का जो केस होता है उसमें कोर्ट आपको आदेश पारित करता है कि साहब पत्नी को आप नहीं रख रहे, तो पहली बात तो वो डोमेस्टिक वायलेंस को प्रूफ तो करे, इस पर कई सारी रूलिंग होती है, जजमेंट होती है, तो अटैच में कर दिया करो आप, क्यों आए दिन, आप तो पता है, आप तो सोशल मीडिया का जमाना है। लेकिन डीवी केस का, डीवी केस में देखिए सबसे पहले डोमेस्टिक वायलेंस को प्रूफ करना पड़ता है पत्नी को। जी हाँ, उसके साथ वाकई घरेलू प्रताड़ना हुई है या नहीं हुई, घर से उसे बाहर निकाला गया था या नहीं निकाला गया, क्या घर से वो खुद स्वयं गई थी, इन सबको प्रूफ करना ही पड़ेगा पत्नी को, तभी जाके घर में राइट मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलने वाला। जी हाँ, झूठे आरोप, झूठे ब्लेम लगाने वाली पत्नी को ससुराल में किसी भी प्रकार का रहने का कोई
अधिकार नहीं होता है, ये चीज़ आप अच्छे से समझ लिया करो। और जब भी उसमें जो भी चीज़ होता है वो एक तरह से ऑर्डर पारित करता है, कोई पनिशमेंट मिलती नहीं डीवी केस में, तो आखिरी परिणाम यही होता है कि कोर्ट पहले आपको ऑर्डर पारित करेगा, फॉर एग्जाम्पल के तो घर में रहने का अधिकार देगा उसको, ठीक है, उसी तरह से कोई मेंटेनेंस दिलाया जाएगा, ये सब मिलेगा उसको। और उसकी अगर पालना नहीं कर रहा पति तो फिर 20,000 का जुर्माना और मिनिमम एक मंथ से लेकर एक साल तक की सजा का प्रावधान दिया गया है। तो आप सोचिए, जब आपको पनिशमेंट है ही नहीं किसी भी प्रकार से, फिर आखिर डरते क्यों हो आप लोग भाई। 498 केस का मैंने बता दिया, डीवी केस का मैंने बता दिया, अब बचा मेंटेनेंस का केस। जी हाँ, देखिए मेंटेनेंस केस तो देखिए क्या होता है कि जब बिना कारण से पत्नी रहती नहीं, कोई ग्राउंड है ही नहीं किसी प्रकार का कि बिना वजह से वो आपको प्रताड़ना दे रही है, बार बार आपके खिलाफ केसेज कर रही है, तो उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। और मिलता है आपके बच्चे को तो नेचुरल गार्जियंस, मैन जो नेचुरल गार्जियंस होते हैं वो तो खुद पिता होता है, तो आप अपने बच्चों को ही तो मेंटेनेंस दे रहे हो, किसी और को तो दे नहीं रहे, तो उससे आपको क्यों डरते हो। और मेंटेनेंस केस में अगर आप नहीं दे पाते हो, कंडीशन आपकी ऐसी है, तो भी आपको फिर वहां से मुक्त कर दिया जाता है, ऐसा नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में आप परेशान ना हो किसी भी चीज से, क्योंकि बार बार इस चीजों से ये सुनने में आते हैं। डाइवोर्स का केस, तलाक का केस बचा हुआ, तो तलाक का केस देखिए उसमें ग्राउंड के आधार पर होता है, आपके पास क्या आधार है, क्या नहीं है, क्या नहीं है, आधारों के बेस पर दिया जाता है, ठीक है। और कहीं ना कहीं से आपके आधार बन जाते जब पत्नी आप झूठे केस या ब्लेम करती किसी टाइप से, तो इस ग्राउंड के आधार पर आपको डाइवोर्स मिल जाता आसानी से। तो फिर आपको डरना चाहिए नहीं किसी भी प्रकार से, 498 का, डीवी केस का, मेंटेनेंस केस का और तलाक केस का मैंने आपको बता दिया। अब बात में इसके साथ साथ में जो केसेज लगते हैं, सेक्शन लगते हैं 376, 354, 377, सबसे ज़्यादा पति लोग इनसे डर जाते हो कि साहब मेरे पिताजी पे, मेरे भाई पे, मेरे जीजाजी पे, किसी भी इन लोगों का नाम इंक्लूड कर दिया गया। देखिए नाम ये सब मेन जो सेक्शन होता है वो 498 का होता है, दहेज का होता है। अब इसके साथ में जितने भी आपके केस लग रहे, चाहे वो दहेज हत्या का लग गया, चाहे वो रेप का लग गया, चाहे वो छेड़ाछाड़ी का लग गया, चाहे वो अननेचुरल फिजिकल का लग गया, ये सब विचाराधीन होती है। और विचाराधीन मतलब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इनको इन्वेस्ट करता है और उसमें नहीं पाया जाता इन्वेस्टिगेशन में ऐसा, तो इन सेक्शनों को रिमूव कर दिया जाता है। और ये आपको अच्छे से पता होगा, 99% आपके सेक्शन वहाँ से निकल जाते हैं, फिर भी अगर नहीं निकल पा रहे हैं तो आप हाईकोर्ट में क्यूज करा सकते हो, वहाँ से भी इसे निकल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपका जो डर रहता है हमेशा, बार बार आप डरते रहते हो, तो आज के बाद वीडियो में आपको नहीं डरना चाहिए, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, जय हिंद, वंदे।